हेलो गाइस, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं लकली 11। आज आपके लिए वीडियो में थोड़ा कुछ चेंजेस लाए, थोड़ा वीडियो को फास्ट क्लास पूरा देखना। वीडियो उतना बड़ा नहीं होने वाला है, कॉम्पैक्ट होने वाला है, तो पूरा वीडियो को देखना। अगर आप फैंटेसी लीग से जुड़े हो या वर्ल्ड कप का जो मैच होने वाला है, रोज आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो dream11 पे या प्लेयर पॉट्स में या कोई फैंटेसी लीग में, तो आप वीडियो फास्ट क्लास पूरा देखना, तो आपके लिए आसानी होने वाला है मैच टीम बनाना। तो आज बात करने वाला है कल जो होने मैच वाला है पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड का मैच बारे में। जो कल जो मैच होने वाला था आपका, मतलब बांग्लादेश वर्सेज साउथ अफ्रीका का मैच, उसका भी मैं टीम दे दिया था। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं अपडेट कर दिया था, अब देख सकते मेरा फाइनल टीम था, अपडेट कर दिया था। बहुत लोगों ने विन किया, मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज किया, व्हाट्सएप में पर्सनली मैसेज किया, मैं सबको बोल दिया था कि ये मेरा फाइनल टीम है। आप देख सकते हैं ये टीम के साथ बहुत लोग विन किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मुजफ्फर रहीम ने अच्छा पॉइंट कमाया, क्वांटम डीकॉक तमी इकबाल ने उतना अच्छा नहीं किया, फिर भी चल गया। रूपेश ने ए मकरम ने अच्छा रन किया, शाकिब हसन ने तो बहुत अच्छा किया, सफीउद्दीन ने लास्ट में 2 विकेट निकल लिया था, क्रिस मॉरिस ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और मुजाफिर रहमान भी आपको 3 विकेट निकल के दिया था, कैसे रबर भी अच्छा विकेट निकाला था, लुंगी इंगिरी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं था, फिर भी चल गया था। तो आज बात करते हैं आपका जो पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड का मैच होने वाला है उसके बारे में। आपको पहले डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप आज इन्फॉर्मेशन उतना लंबा नहीं होगा, उतना डीपली तो होगा ही 100%, बट उतना घुरा पिचा के नहीं होगा, सिंपली होगा, तो आपको टीम बनाने में बहुत आसानी होगा। पहले बात करता हूँ जो कल मैच होने वाला है उसके बारे में। उसका जो मैच का वेन्यू है, जो स्टेडियम है, उसका ट्रेंड बीच जो नॉटिंगहम में होगा, पिच कंडीशन जो होगा बैटिंग फ्रेंडली, बैटिंग के लिए आसानी हो सकता है। इसलिए जो इंग्लैंड अगर फास्ट बैटिंग करेगा तो 350 रन तक आप देख पाएंगे, अगर बांग्लादेश फास्ट बैटिंग करेगा तो ठीक ठाक रन ही हो सकता है। लास्ट मैच में जो हुआ था फास्ट इनिंग्स का स्कोर है एवरेज 249 एवरेज, सेकेंड इनिंग्स स्कोर 216, तो फास्ट इनिंग जो बैट करेगा उसके लिए अच्छा होने वाला है। हाइस्ट जो स्कोर होने वाला है इस मैच इस पिच में जो टोटल 4816 ओवर के लास्ट में इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, लोएस्ट टोटल हुआ था 83 10 ओवर में, 23 ओवर में मैच खत्म हुआ था, उसमें 83 रन हुआ था साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के मैच में, सो सैड। तो हाई आप अगर हाईएस्ट चेस दिखा तो 350 रन का 3 विकेट में निकला था इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड में, लोअर डिफेंस हुआ था 195 9 विकेट में 50 ओवर तक वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड के मैच में। अभी इंग्लैंड का प्लेयर की बात करें तो जेसन रॉय जो है अभी बहुत अच्छे फॉर्म में है, अभी जिस मैच में खेला 87 रन किया था, 76 रन किया था, 114 रन किया था, 32-89 और 54 रन किया था, 54 रन उसमें किया था लास्ट 5 मैच के बारे में बात करें तो। और अगर जॉनी वेरिस्टो की बात करें तो वो भी 51 रन किया था, 128 रन किया था, 21 रन किया था, 12-39 इसमें 0 किया था। जॉयरूट भी देख सकते 40-43-36-84-39-51 अच्छा रन किया था। यन मॉर्गन भी देखते तो आपका 71-17-76-57 रन किया था। जॉस बटलर भी अच्छा खासा फॉर्म में था, 110 मतलब सेंचुरी डाला था उसमें, 2 रन किया था, 34-55-18 रन किया था। बेन स्टोक में भी आपका एक ऑलराउंडर होते हुए 37-71-21-20-89 रन किया था, जो उसमें भी विकेट भी लगा था, 3 विकेट डाला था टोटल। और मोइन अली भी अब 12 रन 46-22 और 3 रन किया था और 3 विकेट डाला था। क्रिस ओक्स में भी 13-40 और 13 रन किया था और टोटल 11 विकेट डाला था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। जोफ्रा अच्छर में भी 9 विकेट डाला था, आदिल रशीद में 5 विकेट डाला था, लियम प्लंकेट में भी 14 विकेट डाला था। अभी ये सब आपका खास प्लेयर होने वाला है। और आपका पाकिस्तान की बात करें तो इमामुल हक में भी 46-42-35-151 सेंचुरी डाला था और 32 रन किया था। फकर जवान में भी 138 अच्छा रन डाला था, 57 डाला था, 19-22 रन डाला था। बाबर आजम में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी अभी देख सकते हैं पिछला जो रिकॉर्ड है उसमें 51 रन किया था, 115 मतलब सेंचुरी डाला था, 80 रन डाला था, 112 मतलब दूसरा एक सेंचुरी भी डाला था उन्होंने। मोहम्मद हाफिज़ की बात करें तो 52-59 और 16 और 12 रन डाला था,
और सरफराज अहमद की बात करें तो उसमें भी आप अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, 41, 22, 97 रन डाला था। और हरीश सोहेल की जब बात करें तो आपको 130 रन बनाया था एक ही बैच में, उसके बाद 41 एक बैच में, उसके बाद खास परफॉर्मेंस नहीं है। आप देखो शोएब मलिक को अगर हार्श सोहेल के बाद कल कल खेलना जा सकता है, जो शोएब मलिक का परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत अच्छा ही है। 16 31 रन डाला था, 41 रन डाला था, 44 रन डाला था। आसिफ अली भी चांस हो सकता है कल उसके अच्छे परफॉर्मेंस से। अब इमरान वसीम भी अच्छा खासा बैटिंग कर ही लेते हैं, सावेद खान वो भी अच्छा खासा बॉलिंग कर लेते हैं, विकेट भी निकल लेते हैं। इमरान हाशमी 8 विकेट निकालता है, सावेद खान में 5 विकेट निकालता है, हसन अली में भी 3 विकेट निकाला था, वावेद रियाज में भी 7 विकेट निकालता, मोहम्मद आमिर भी 5 विकेट निकालता। आप देख सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस है। अब बात करते हैं टॉप 5 बैट्समैन के बारे में, तो इसमें इमामुल हॉक, बाबर आजम, जैसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो, जॉय रूट, ये आपका टॉप 5 बैट्समैन होने वाला है। अभी बात करें तो टॉप 5 बॉलर के बारे में, तो क्रिस ओक, लियाम प्लंकेट, जोफ्रा आर्चर, हसन अली, मोहम्मद आमिर, अगर टॉप 5 बॉलर होने वाला है। अभी आप बात करें तो अब टॉप 5 टॉप 2 ऑलराउंडर के बारे में, तो इमरान वसीम, बेन स्टोक्स, तो आपका टॉप 2 होने वाला ही है, आप तो जानते ही है। विकेट के बारे में तो जॉस बटलर आपके लिए बेस्ट होने वाला है, अगर इंग्लैंड ने फास्ट बैटिंग किया तो, अगर फास्ट बैटिंग नहीं किया तो जॉस बटलर थोड़ा पीछे आने वाला है, तो आप जॉनी बेयरस्टो को उसका जगह ले सकते हैं। तो अभी आने वाले प्लेयर कोई इसमें नहीं है, तो मैं कोई इसका नाम नहीं डाला। तो आप स्मॉल लीग के लिए अगर कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ करते सकते हो, तो आप कैप्टन जेसन रॉय और वाइस कैप्टन बाबर आजम को डाल सकते हैं। और ग्रैंड लीग के लिए आप जा सकते हो तो क्रिस ओक, जॉस बटलर, बहुत सारा ऑप्शन है, वो आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि मैं ग्रैंड लीग का सजेशन उतना नहीं करता, मैं सिर्फ स्मॉल लीग के लिए बोलता हूँ, आप देख सकते हैं। अभी मैं जो एक कल भी मैं लाया था एक क्विज कॉन्टेस्ट, जो उसमें फ्री के टी पेटीएम कैश में अनाउंस किया था गिव अवे में, तो आज भी एक लाया हूँ, तो आप देख सकते हैं क्विज में हु इज़ द हु विल बी लीडिंग विकेट टेकर, कौन ज़्यादा विकेट लेगा कल का मैच में दोनों टीम मिला के। तो आपको कैसे आंसर देना है, तो कमेंट्स में जाके आपको आंसर देना है, जस्ट हैशटैग #Lucky11 कैप्स में लिखना है, उसके बाद स्पेस देके हैशटैग प्लेयर का लिखना है। अब उसमें कोई भी हो सकता है, जैसे आपको हसन अली #Lucky11 #हसन अली फुल ऐसे लिखना है, कोई स्पेस नहीं देना है। ऐसे जैसे अब इसमें यहाँ पे ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, या फिर आपका कोई भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, उसमें आपको जोफ्रा आर्चर भी हो सकता है, लियाम प्लंकेट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब इसमें ऐसे लिख देना है #Lucky11 #प्लेयर का नाम, ओके। अभी टीम की बात करें तो टीम की बात करने से आपको ऐसे जो जो आप मैं अपनी डेमो टीम बना के रखो, आप देख सकते हो यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे जो विकेट कीपर में अंदर है, आप तो जॉस बटलर अच्छा खासा पीक हो सकता है, लेकिन अगर इंग्लैंड फास्ट बैटिंग में आएगा तो जॉस बटलर की बैटिंग आपको फिफ्थ थर्ड डाउन या फोर्थ डाउन या फिफ्थ डाउन आने वाला है। तो अभी जॉनी बेयरस्टो को जाना ठीक है, या ओपनिंग करता है, सवाज अहमद उतना आज तक खास नहीं है, इसके साथ मैं नहीं जाना चाहता हूँ, जॉर्ज बेस्ट के साथ, जॉनी बेस्ट के साथ मैं जा रहा हूँ। बैट्समैन की बात करते हैं, बाबर आजम बहुत अच्छा पिक हो सकता है, योन मॉर्गन, जॉय रूट और अच्छा पिक हो सकता है, इमामुल हॉक जो आपको ओपनिंग करते दिख जाएगा, जैसन रॉय तो अभी टोटली फॉर्म में है। इसके बाद तो आपको शोएब मलिक कल खेलते हुए शायद नजर आ जाएगा, हसन सोहेली के जाएगा, जे विंस और अली के खेलने के चांस बहुत कम है। तो ऑलराउंड की बात करें तो ब्रेन स्ट्रोक को मोहम्मद हाफिज आपका अच्छा खासा पिक हो सकता है, अगर आप कोई दूसरा नहीं चाहते तो वासिम को ले सकते हैं, मोइन अली को ले सकते हैं, अच्छा खासा पिक हो सकता है। इसके अलावा कोई अच्छा ऑलराउंडर आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा। बॉलर की बात करें तो खीस हो तो बॉलर बहुत अच्छा आपके लिए बॉलर पिक हो सकता है, लेकिन लास्ट मैच में थोड़ा परफॉर्मेंस उतना वीक था, इसलिए नहीं मैं ले रहा हूँ। टॉम कार्ड में ठीक ठाक ही रहेगा, कल खेलने के चांसेस हो सकता है। टॉस की बात आपको अपडेट कर दिया, जैसे रोज अपडेट कर दिया जाता है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे ज्वाइन हो जाए, डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर ज्वाइन हो जाइए। आदिल रशीद भी बहुत अच्छा प्लेयर, लेकिन खास परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, जोफ्रा आर्चर पिछले में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, ले सकते हैं आप। हसन अली पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छा बॉलर, लेकिन उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए मैं मोहम्मद आमिर और लियम प्लंकेट से जा रहा हूँ। कल से आपको मार्क कूट भी खेलते हुए दिख जाएगा और ओडियाज भी खेलते हुए दिख जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं इस टीम के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखाने के लिए बस कैप्टन वाइस कैप्टन जेसन रॉय, बाबर आजम को डाला हो, अभी कैप्टन डालो, आप जॉनी बेयरस्टो को भी डाल सकते हो, जॉय रूट को भी डाल सकते हो। भाई इसके अंदर बात करें तो बहुत ऑप्शन है आपके पास, जॉय रूट भी है, बाबर आजम भी, इमोलो हकवे या फिर ब्रेन स्ट्रोक और मोहम्मद हाफिज भी है, इन सबके साथ जा सकते हो। तो अभी एक बात करें तो आपके सामने और भी आपका अच्छा एक लीग है, जिसके
जिसके लिए आपको रोज़ मैं बोला जाता हूँ, आप उसके साथ जा सकते हो। आपको सभी मैं दिखा दे रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्लेयर स्पोर्ट्स के बारे में। प्लेयर स्पोर्ट्स में जो आज इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है, उसके आप देख सकते हो अच्छा खासा। यहाँ पे आप कुछ दिखा रहा है कैशबैक के बारे में, जैसे मैं पहले एक वीडियो बनाया था प्लेयर स्पोर्ट्स कैशबैक के बारे में, वैसे ही थोड़ा कम डिपोजिट में कैशबैक ज़्यादा है। आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है, आप जिसकी टीम की सपोर्ट करके ये सब अमाउंट डालेंगे, हर एक टीम की विनिंग होने के बाद आपको 35 रुपीज करके एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत अच्छा, ये सेफ है। क्योंकि क्यों सेफ है? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कल ही पाकिस्तान मैच है, इसका भी टीम आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छा अच्छा लीग यहाँ पे होने वाला है। अभी जो आपका ड्रीम इलेवन का मैच है, यहाँ पे टीम आपको दिखा दिया। अभी टीम के साथ जा सकते हो। यहाँ पे मेरा फाइनल जो टीम है, मेरा चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसमें ज्वाइन हो जाइए। मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को और वीडियो को कमेंट कीजिए कि आपका रोज़ रोज़ मेरा टीम देख के आपका सजेशन हो रहा है। जैसे आप इंस्टाग्राम चैनल पे मेरा टेलीग्राम चैनल पे लाइक कर दी कॉमेंट्स करते हैं और मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, वैसे ही इसमें कर दीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगा आपको ज्वाइन करने की, आपको बहुत अच्छा टीम मिल सकता है। तो देर मत कीजिए, मेरा क्विज कंटेस्ट जो है उसके बारे में मैसेज कर दीजिए, कौन आपका बेस्ट विकेट टेकर होने वाला है और आपका कौन टीम होने वाला है, वो आपके लिए मेरे कमेंट्स कर दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पे ज्वाइन हो जाइए फाइनल टीम के लिए, हर एक अपडेट के लिए आफ्टर टॉस बिफोर टॉस। ओके, तो आज के लिए वीडियो इतना ही। चलिए कल आपको से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।